अच्छा कुस्टिंग के नाम से हैं जी। हेलो हेलो गालिब हेलो, भाई, क्या हाल है? हेलो ठीक ठाक भाई, आप कैसे हो? गालिब भाई यार, मैं लाहौर से हूँ। मैं अब फैन हूँ आपका यार। चलें, बहुत शुक्रिया यार आपका, थैंक तो यू। मैंने अच्छा यार आपकी वीडियोस, तकरीबन मुझे साल हो गया मैं देख रहा हूँ आपकी वीडियोस, आपकी और हारिस भाई की। तो आज ये बाहर में आया हूँ स्ट्रीम में बड़ी मुश्किल से। मुझे पहले पता ही नहीं चलता था कि स्ट्रीम में कैसे आना है। अच्छा तो चलें, गालिब भाई आपको मेरा ये समझ आ गई है सवाल है कैसे आना है। आपसे कि हाँ जी, आज समझ आ गई। एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं आपसे जी जी पूछिए। गालिब भाई? यार वो मैंने आपसे पूछना था कि ये जो फिरौन की डेड बॉडी पड़ी हुई है मिस्र में, तो इसके ऊपर जो वो कहते हैं कि नाखून भी आ जाते हैं, स्किन भी आ जाती है, ये तो थोड़ी एक्सप्लेन कर दें जरा। अच्छा, आपने मेरा नया चैनल देखा है? यार मैंने आपके सारे चैनल देखे हुए हैं जितने भी हैं। आपने ना उसके ऊपर एक वीडियो है, कुरानिक मिरेकल, क्या अल्लाह ने फिरौन की लाश सेव की? ठीक है, अच्छा, वो ये वीडियो जाकर यूके में देखनी होगी है। ना? हाँ, अच्छा उसके अंदर आपने जाके वो वीडियो देखनी है। उस वीडियो के अंदर मैंने ये सारा बताया कि ये क्या फ्रॉड है। आपको पता है, मैंने 2 साल पहले तारिक जमील को चैलेंज दिया था, क्योंकि तारिक जमील ने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर वो कहता है कि हर साल फिरौन की लाश में गोश्त बढ़ता रहता है, हाँ जी, हाँ और जी, उसके ऊपर हर साल 15 मार्च को चूहे छोड़े जाते हैं। आपको पता है इस साल क्या हुआ? 15 मार्च को लोगों ने तारिक जमील को ठीक ठाक ट्विटर पर ट्रोल किया है, और ये काम मैंने शुरू किया था। मैंने तारिक जमील को चैलेंज दिया था कि भाई मुझे आप 15 मार्च को जब चूहे छोड़े जाएंगे उसकी वीडियो बनाएं और मुझे दिखाएं और मुझे मुसलमान करें कि कौन सा फिरौन की यार लाश है जिसमें गोश्त बढ़ता है, तरोताजा उसकी लाश है, और आप उस लाश के ऊपर जो 15 तारीख को चूहे छोड़े जाते हैं उसकी वीडियो बनाएं, मुझे दिखाएं, मैं आपके हाथ पे बैत करके मुसलमान हो जाऊंगा। मगर 2 साल हो गए हैं, तारिक जमील ने अभी तक ये बात नहीं की, और मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि लोगों ने अगले साल भी इसको ट्रोल करना है 15 मार्च को। यार ठीक है, इसी 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 बात की वजह से मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि ये क्या सीन है इनके। और गालिब भाई, एक रिक्वेस्ट है आपसे यार। अच्छा हाँ जी, यार रिक्वेस्ट ये कि आप अपने बारे में भी वीडियोस बनाए ना। आप हो तो इधर पाकिस्तान से ना, तो हाँ जी, वो तो है। आप अपने कैसे बारे में क्या वीडियो बनाएं? यार अपनी स्टोरी बताओ ना हमें कि आप कैसे यहाँ से निकले हो। तो ये अभी बड़े लोगों को यार गाइड देखें, करते हो आप। हर बात बताना ठीक नहीं होता। मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, मगर आप वो ये तो तो ना पता है समझे ना मुझे कि मैं हर बात बता दूंगा। अब हर बात बताऊंगा तो कोई और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं, हर बात नहीं, आपके ऊपर भी, आप भी बड़ी मुश्किल से ही निकले हो ना यहाँ से। तरीका यार जो मैं निकलने का तरीका तो नहीं बता सकता ना किसी को, वो तो ना बताओ फिर आप अपना, जिसे कहते हैं सक्सेस स्टोरी, वो तो बताओ ना आप अपने, कोई अपने बारे में भी वीडियो बनाओ ना। सक्सेस स्टोरी आ रही है ना, इसलिए बताई नहीं जा सकती। हो ठीक जाएगी है, वो सर, वो हाँ स्ट्रगल है, स्ट्रगल है गालिब की। आप उसको ऐसे समझें कि वही वो स्ट्रगल है। वही। जी मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एथियज्म में या इस फील्ड में, अगर एक तो चंद एक बंदे जो अपना जेल में है, उन्होंने तो जो स्ट्रगल करनी है वो तो मतलब कि मैं उसका तो कोई भी मतलब कि सानी नहीं है, लेकिन गालिब ने जिस तरह स्ट्रगल किया है और अपने आप को स्टैंड किया है और जिस अपना सिचुएशन से वो निकले हैं, ये आम आदमी का काम नहीं है। यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग टू कम दिस फार, ठीक है ना? और ये जो, जी, बिल्कुल। और ये जो यार आप और हारिस भाई ये जो मौलवियों को लपेटते हो ना यार, बहुत मजा आता है यार सुनने में। मौलवियों को जो पेलते हो ना आप लोग, बहुत मजा आता है यार सुनने का। खुश हो जाता है बंदे का दिल। हाँ, वो मैं सुनिए समझता हूँ, गालिब जाहिर भाई, बात है आप पाकिस्तान वाले सारे मौलवियों से इतने तंग हैं कि वो बेचारे फिर खुश तो अब होते हैं ना जब भी मौलवियों को पेला जाता है तो। ये जो
किसी शो में कि मौलवी रो रहा था बैठ के भी रमजान में, हम मर क्यों नहीं गए, उस पे हाँ भी वो आप रो कई रहा था बातें। वाकई। बहुत बाकी शुक्रिया गालिब भाई, फिर कभी आऊंगा तो एक्सेप्ट करोगे आप मेरी ये रिक्वेस्ट चैट में स्ट्रीम में? हाँ जी हाँ जी, आप जब आएं आपको कॉल पे हम लेंगे, पर जाहिर बात है यहाँ पर इंतजार आपको पता करना पड़ता है, सारे लोग बैठे होते हैं इंतजार कर रहे होते हैं, ठीक है? तो सही और है, वीडियो बाकी भी आप बता बस दो एक ध्यान से बार, रहें पाकिस्तान में, वीलॉग नंबर 40 देखें जाके। हाँ वो जीके व्लॉग में वीलॉग नंबर 40 वीलॉग नंबर 40 देखें, ठीक है? उसके ऊपर फिरौन की ही तस्वीर लगाई हुई है मैंने, ठीक है? तो वो आप जाके देख लें तो वो आपको आराम से उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो उसको देख लें आप, तो वो आपको उसमें सारी स्टोरी पता चल जाएगी, ठीक है? सही हो गया, शुक्रिया। ठीक है फिर, सही है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियॉन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियॉन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।